हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दें। सो ये वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो ये वीडियो है ट्वीब्रो ऑफिशियल चैनल से। इसका नाम ही काफी अजीब सा है ट्वीब्रो, एंड ये आई थिंक रोस्ट वीडियोस काइंड ऑफ ये वीडियोस बनाते हैं जितना मैंने इनका प्रीवियस वीडियोस देखा है। एंड ये वीडियो का मुझे जो थंबनेल है वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगा, एंड इस वजह से मैंने ये वीडियो चूज किया है। सो ये वीडियो का टाइटल है हिडन ट्रुथ ऑफ नकाब वाली लड़की, पाकिस्तान रिएक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 3। ओके, सो इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। सो ये पार्ट 3 है एंड मैंने फर्स्ट दो पार्ट में शूट नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट 3 में क्या है एंड क्या रोस्ट हुआ है एंड ये कौन है ये नकाब वाली लड़की। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो, बात करते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स के एक ऐसे फर्जी रिएक्शन चैनल के बारे में जो लोगों को चूना लगाने में सभी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और वो जट्टू है ये बंदा जो अक्सर इस मास्क पहनी लड़की के साथ नजर आता है। बंदा एक चैनल से पाकिस्तानी बनकर रिएक्शन दे रहा है और एक चैनल से इंडियन बनकर, मतलब भारतीय लोगों से व्यूज खाने के लिए बंदा दोनों देशों का नागरिक बना बैठा है। और जब भी इससे कोई इसके बारे में पूछे तो तुलसीदास खान, बाप का नाम जावेद चौरसिया, माँ का नाम अरे मुमताज देवी, अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद। बंदा पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल पर रिएक्शन देकर इंडिया के खिलाफ तो जहर उगलता ही है, साथ ही साथ इंडियन बनकर भी भारतीय लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने में लगा रहता है। मोदी जी को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं उनका वोटर नहीं हूँ। अरे तेरी बहन का पोटकी मारू के मीठे, तू इंडिया का नागरिक है कब जो तू मोदी जी का वोटर होगा? पाकिस्तान में रहकर इंडिया में वोटिंग करेगा क्या? और रही बात मोदी जी को सपोर्ट करने की, तो तुम्हारे मोदी जी को सपोर्ट करने ना करने से होगा क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई भूकंप आएगा क्या? तुम साले आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले मोदी जी को सपोर्ट भी कैसे कर सकते? भाई ये बंदा इतना हरामी है कि इंडियन बनकर लोगों को भारत और मोदी जी के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि रिएक्शन के नाम पर भारतीय लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके, जिसमें इसका बखूबी साथ देती है ये मास्क पहनी लड़की जिसको बंदे ने अपने चैनल के लोगों के तौर पर यूज किया हुआ है। लेकिन बात जब लड़की का फेस दिखाने की आती है तो ये मीठा मैं नहीं दिखाऊंगा। भाई एक साल होने जा रहा बंदी के चेहरे से मास्क का हटने में नहीं आ रहा, मानो इसके बराबर में बैठा बंदा मीठा नहीं कोविड का मरीज हो। बंदी सिर्फ आंखें दिखाकर ही लौंडों को सम्मोहित करने में लगी हुई है और इसकी आंखों पर मेकअप, साला जितना मेकअप तो आम लड़कियां पूरे फेस पर नहीं करती होंगी, जितना मेकअप बंदी सिर्फ अपनी आंखों पर थोप कर बैठती है। चला आंखें कम, एशियन पेंट से रंगी दीवारें ज्यादा नजर आती हैं, हरा लाल गुलाबी नीला पीला हर कलर इसकी आंखों पर देखने को मिल जाएगा। भाई इतने कलर तो साला गिरगिट भी ना बदल पाए जितना ये अपनी आंखों का बदल लेती है। भाई इसकी पलकों के बदलते हुए कलर्स को देखकर गिरगिट भी कहेगा मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। और इस बंदी का नॉलेज, अब इस लड़की का ज्ञान सुनो, छोटा चाइना, सुना भाई लोग चाइना छोटा सा है। भाई ये वही पोर्की हैं जिनका मानना है धरती चपटी है और पहाड़ इसलिए बनाए गए हैं ताकि धरती आसमान में उड़ ना जाए। बहन जितना दिमाग आंखों पर मेकअप थोपने में लगाती है उतना दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो इस मीठे के साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस रिएक्शन के नाम पर पैसा छापना है, ज्ञान गया भाड़ में। भारतीय लोग हैं तो रिएक्शन के नाम पर कुछ भी देखेंगे। और क्यों? क्योंकि मास्क पहनी लड़की का फेस जो देखना है, जिसकी ख्वाहिश में इसके कमेंट सेक्शन में लौंडे, आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये लड़की, नहीं नहीं मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। बस लौंडो को इसको बिना मास्क के देखने की जिज्ञासा का ही ये बंदा भरपूर फायदा उठाता है। और बात जब भी व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की आती है तो बंदा इस आंटी को आगे कर देता है। ठीक है पे ये मास्क उतारेगी तो आप लोग पूछते ना मास्क उतरेगा। और 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, देखना चाहते हो तो लोग देखो,
भाई मुझे हैरानी इस बात की नहीं कि ये 50,000 सब्सक्राइबर्स होने पर मास्क उतारने का ऑफर दे रहा है। मैं हैरान तो इस बात से हूँ कि बंदा 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने पर लोगों को क्या उतारने का ऑफर देगा। अब ये मीठा कहेगा, समझदार को इशारा काफी है। समझ रहे हो ना? और भाई ये मीठा भी कम थोड़ी है, साला अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन तो परमानेंट ऐसे खोल कर रखता है जैसे इसी की छाती देखने के लिए लोग इसके चैनल पर आ रहे हो। मतलब झोपड़ी वाले को जिसका फेस दिखाना चाहिए वो तो दिखाता नहीं, अपनी शर्ट के बटन खोलकर छाती और दिखाने लगता है। और भाई हंसी तो मुझे इस बात पर आती है कि अगर इन रिएक्शन चैनल्स के कमेंट सेक्शन में अगर कोई बंदा किसी वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए एक कमेंट भी कर दे तो इन लोगों का कहना होता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की। मतलब बंदों की वीडियो के नीचे 20 कमेंट्स में 15 में गालियां होंगी, 4 में सच बोलने की सलाह, और एक कमेंट में कोई बंदा भूले भटके किसी वीडियो पर रिएक्शन देने की बोल रहा हो तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की। अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं, तुम नहीं सुधरोगे। भाई इन पोर्कियों ने रिएक्शन चैनल से कमाई करने का ऐसा धंधा बना लिया है कि व्यूज खाने के लिए ये गांड उठाकर खुद कैमरे के आगे तैरते नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, इस मास्क के पीछे ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जो ये मीठा उसको उजागर करना नहीं चाह रहा और इसके व्यूअर्स इसको बिना देखे रह नहीं पा रहे, जो इसकी वीडियो देखे जा रहे हैं, सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, जबकि बंदा भारतीय लोगों से कमाई करके भारतीय लोगों के खिलाफ ही जहर उगलता है। मैं पीओके बोल के थक गया, हमारे ही रहने दो। सुना भाई लोग, पीओ के हमारा है, हमारा ही रहने दो। भाई ये पोर्की इतने जाहिल हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि पीओ के बोलते किसको हैं। बंदे खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इन्हें कश्मीर भी चाहिए। संडास दिखा तो। अब भाई आप खुद सोचो, ऐसे फर्जी रिएक्शन चैनल्स की वीडियोस इंडियन लोग देखते ही क्यों हैं, जबकि ये कई कई रिएक्शन चैनल बनाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, फिर भी भारतीय लोग इनकी वीडियोस देखकर इनकी कमाई करा रहे हैं। दिल से लगता है भाई। भाई इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, पाकिस्तान रिएक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 1। भाई जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाकर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज ये ट्वीब्रो का वीडियो तो बहुत ही अमेजिंग लगा एंड बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट कर डाला है इन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को कि मैं क्या बताऊं। एंड स्पेशली ये नकाब वाली लड़की, मैंने भी इनका आई थिंक डैब रिएक्शन करके चैनल का नाम है जो मैंने वीडियोस देखा था, जिसमें वो पिछले साल भर से ज्यादा हो गया वो मास्क ही पहन के आती है सामने, मतलब क्या ही बोलना है। लेकिन एक चीज मैंने जो नोटिस किया एंड पता किया है इस वीडियो के बारे में कि ये है कौन, क्या है, जो भी है मतलब बहुत ही बदमाश लोग हैं मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि एक हम है इंडियन रिएक्शन वाले जो कि मतलब रगड़ रगड़ के काम कर रहे हैं, डेली का डेली वीडियोस डाल रहे हैं, कंटेंट उठा रहे हैं, वही सेम चीज कर रहे हैं जो पाकिस्तानी रिएक्शन वाले करते हैं, लेकिन हमें वो सपोर्ट, लाइक, शेयर्स, वो वैसा उस तरीके का प्यार आप सबसे नहीं मिल पाता है जो बाकी दूसरों को मिल रहा है। आई थिंक पाकिस्तानी वाले को सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये जो जिनका आई थिंक वीडियो दिखाया गया, ये नकाब वाली लड़की थी और जो लड़का थे, इनके ऑलरेडी ये वाले डैब रिएक्शन के अलावा आई थिंक उनके और 4 चैनल्स है, जिसमें एक अभी रिसेंट वो लोग आई थिंक आज या कल में वो लोग एक चैनल खोले हैं, 2 दिन पहले खोले हैं। उसमें कुछ एक्ट एंड रिएक्ट के बारे में, एक्ट एंड रिएक्ट है चैनल का नाम, एंड उसमें के पॉप का वीडियोज एंड ऑल वो लोग ले रहे हैं, BTS एंड ऑल। एंड साथ ही एक कराची रिएक्शन भी चैनल है जिसमें वो लोग मतलब पाकिस्तानी और वहां के सिटीजन बन के वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं। वो चैनल भी आई थिंक जनवरी में बनाया गया एंड वो भी मोनेटाइज हो चुका है क्योंकि उसकी कम्युनिटी खुल चुकी है एंड ओवरऑल व्यूज वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। एक एक वीडियोस की व्यूज आई थिंक 20K 30K के पार ही गया है मैक्सिमम वीडियोस के। साथ ही ये डैब रिएक्शन चैनल, ये तो इनका आई थिंक सबसे पहला और पुराना रिएक्शन चैनल है। एंड साथ ही वो रिएक्शन नेशन जिसमें वो इंडियन बन के रिएक्शन वीडियोस दे रहे हैं, मतलब वो वाली रिएक्शन नेशन वाली जो चैनल है वो पिछले साल की है जो कि मार्च महीने की है, एंड साल भर में वो अच्छा खासा मतलब सब्सक्राइबर्स गेन कर चुकी है एंड वीडियोस एंड ऑल। भाई साल भर से मैं भी वर्क कर रही हूँ
मेरे तो इतने कम फॉलोअर, इतने मतलब कम सब्सक्राइबर्स है कि मैं क्या बताऊं। टाइम लगेगा, कोई नहीं, विल वर्क हार्ड, विल वर्क मोर हार्ड इनफैक्ट। एंड बहुत अच्छे तरीके से ट्वीब्रो ने मतलब इनका पूरा अच्छे खासा एकदम धो डाला। वैसे मैं इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट शूट नहीं की हूँ रिएक्शन में, क्योंकि उन वीडियोस में थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज्यादा ही गाली गलौज था, तो जिस वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा था वो शूट करने में। एंड मेरे को बहुत अजीब लगा कि नहीं यार अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा गाली है। लेकिन ये वाला का मैं थंबनेल देख के जिस तरीके का वो आई मेकअप एशियन पेंट के साथ कंपेरिजन किया, ओ गॉड, मेरे को वो थंबनेल देखकर ही पसंद आया ये वीडियो कि ये इस वीडियो पे तो बनाना है जरूर से, इतनी सतरंगी वाली आई मेकअप। एंड मुझे लगता है ये जो मास्क पुट ऑन है, ये मास्क इस वजह से है क्योंकि शायद उन्होंने अपर लिप्स थ्रेडिंग नहीं करवाया है। वो जो मीम्स बीच में डाला गया था, ये लो देख लो, मैं भी वैसा ही शक्ल होगा, इस वजह से वो अपना मतलब फेस नहीं दिखा रही है। एंड वैसे भी आई थिंक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है, तो मे बी इस वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं होता है एक फेस रिवील नहीं करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सम रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, इस वजह से वो वैसा कर रही है। एंड लोगों के मन में एक्साइटमेंट जगा रही है कि लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को पसंद करें। एंड इस वजह से फिर उसके बाद जब 50K ना वैसे कुछ उतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अपना फेस रिवील करेगी। बाप रे क्या शर्तें रखी गई है, ओ गॉड। लेकिन जो भी है, ये जो भी लोग है पाकिस्तानी रिएक्शन वाले, मैक्सिमम 90% फेक है, 90% ये रिएक्शन लाइक शिट मैन, मतलब इतनी खराब है कि मैं क्या बोलूं। एंड इसी जगह अब आ रहे हैं हमारे इंडियन वाले लोग, रिप्लेस कर रहे हैं। एंड साथ ही बहुत सारे इंडियन कंटेंट एंड इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो 9.India वाले भैया हो साथ में, या इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले हो, या न्यूज नेशन वाले हो, वैसे कुछ है ना न्यूज नेशन में भी मुझे याद नहीं, आई एम सो सॉरी, सभी सपोर्ट में है अभी फिलहाल इंडियन रिएक्शंस के लिए। होपफुली कुछ वर्क हो जाए इससे रिलेटेड, एंड हमारे जो इंडियन भाई बहन है वो हमें प्यार दे, ना कि दूसरे लोगों को। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही बहुत ही ज्यादा कॉमेडी फील हुआ होगा आप सबको। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड इस वीडियो को देखना ना भूले। एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करें एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।